किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग करने से सालों से समस्या पर विराम लगा है। हमीरपुर जिला के लालड़ी गांव में सोलर फेंसिंग पर किसानों ने अपने खेतों के चारों ओर सोलर की तारें लगाई हैं, जिससे जानवर के छूने मात्र पर हल्का करंट लगता है और खेत उजड़ने से बच जाता है। साथ ही तारों को छूने मात्र से ही हुटर भी बजता है। सोलर फेंसिंग योजना के निरीक्षण के लिए कृषि निदेशालय सचिव श्रीकांत वाल्दी ने लालड़ी गांव का दौरा किया और योजना की जानकारी जुटाई। सोलर फेंसिंग सिस्टम इस्तेमाल कर चुके किसान कमलेश पटियाल ने बताया कि सोलर फेंसिंग लगाने से 80% सब्सिडी मिल रही है और सोलर फेंसिंग लगाने से पहले जंगली जानवर और आवारा पशु बहुत नुकसान करते थे, लेकिन अब नुकसान से निजात मिली है। ये मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत मैंने अप्लाई किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, तो ये तकरीबन मैंने 1560 मीटर लगवाया है, तो इसकी टोटल कॉस्ट बैठी है 10 लाख, उसमें से तकरीबन 8 लाख के करीब सब्सिडी मिली है और 2 लाख फार्मर का शेयर हमने पे किया है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे पहले जब यहाँ फेंसिंग नहीं लगी हुई थी तो जंगली जानवर प्लस आवारा पशु हमारी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे, तो अभी इसके लगाने से हमें बहुत राहत मिली है। ये यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे करंट आता है तारों में, जो भी जंगली जानवर आते हैं वो खेत में इंटर करने लगते हैं, उनको करंट का झटका लगता है और वापस हो जाते हैं वो। निदेशालय सचिव श्रीकांत वाल्दी ने कहा कि सोलर फेंसिंग यूनिट का निरीक्षण किया गया है और इसके बाद पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे ताकि योजना का लाभ प्रदेश के बाकी किसान उठा सके। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए योजना कारगर सिद्ध हो रही है, तो इससे पूरे प्रदेश में किसानों को लाभ उठाने के लिए प्रयास किया जाएगा। नहीं, प्रदेश सरकार ने जो किसानों को वाइल्ड जो एनिमल से नुकसान होता है उसको और मंकी मैनेज से बचाने के लिए ये पिछले साल ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और पहले प्रदेश सरकार ने 60% इस पर सब्सिडी रखी थी और वर्तमान में इस पर 80% सब्सिडी है। तो मैं ये देखना चाहता था कि भाई इसका किसानों को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है जिससे कि इसको और बढ़ाया जा सके। तो ये यूनिट अभी देखा है और जो इनके लगाने वाले हैं इन्होंने कहा है कि इसका इनको बहुत फ़ायदा मिला है, तो मैं इस तरह की यूनिट और भी देखना चाहूँगा और उसके बाद में हम असेस करके इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार करेंगे। नहीं, ऐसा कि मैं एक को देख के नहीं बता सकता, पर जनरली जो मेरे को फीडबैक मिला है सभी से कि उससे बहुत फ़ायदा मिला है लोगों को, कि उनके जंगली जानवर से उसको नुकसान नहीं होता, क्योंकि हिमाचल में जो फसल का सबसे मुख्य कारण लूंगा छोड़ने का कारण है वो जंगली जानवरों के नुकसान और मंकी के कारण है। अगर उससे हम ये निजात मिल जाती है तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा सोलर फेंसिंग से होगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के तकरीबन हर जिले में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों की समस्या विकराल होती जा रही है और हर बार चुनावों में भी ये मुद्दा सिर चढ़कर बोलता है। वहीं अब मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसानों को सोलर फेंसिंग के माध्यम से कुछ राहत मिलनी शुरू हुई है। इस अवसर पर किसान कमलेश पटियाल, जागीर सिंह, विनोद कुमार, दिलीप सिंह, राजेंद्र सिंह और कृषि विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे।